ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। आप जी का हार्दिक स्वागत जी आयान। हाय गाइस, वेलकम टू अमृतसर, गुरु नगरी अमृतसर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल और अभी हम पार्किंग में अपनी कार पार्क कर चुके हैं और यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पे है गोल्डन टेंपल। सो यहाँ पे आसपास बहुत ही सुंदर सी मार्केट है जहाँ पे एकदम ऑथेंटिक अमृतसरी सामान मिलता है, पंजाबी सूट फुलकारी वाले और पंजाबी जुत्ती, इसके अलावा अमृतसरी नान कुलचे और भी बहुत कुछ। और ये देखिए, ये सामने है जलियांवाला बाग स्मार्ट, ये गोल्डन टेंपल के काफी पास में है और आजकल ये बंद है इसलिए आज तो हम यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। सो यहाँ से ये राइट साइड का रोड जाता है गोल्डन टेंपल, सबसे पहले हम सीधा गोल्डन टेंपल जाके मत्था टेकेंगे और वापसी में ये सारी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम जोड़ा घर में अपने शूज अपने सैंडल्स यहाँ जमा कराएंगे और उसके बाद हाथ पैर धो के फिर गोल्डन टेंपल के अंदर जाएंगे। ये देखिए सामने गोल्डन टेंपल, बाहर से एंटर करते ही सामने हमें गोल्डन टेंपल के दर्शन हो गए। इतना सुंदर व्यू है, तीन ग्रीन पानी में गोल्डन टेंपल की झलक दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है लेकिन सामने से देखने से ये बहुत सुंदर लग रहा है, इसको देखते ही मन खुश हो गया। बिन रोग रजाइयां दा ओड़न, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओड़न, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना,
तेरे प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना गोल्ड से बनाया गया है और इसे स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब जी और दरबार साहब के नाम से भी जाना जाता है। ये गुरुद्वारा जिस सरोवर के बीचों बीच बना है इसे अमृत सरोवर भी कहते हैं और इसी के नाम पे इस शहर का नाम अमृतसर रखा गया है और इसका निर्माण हमारे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने करवाया था और पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने इसकी नींव एक लाहौर के सूफी संत मियां मीर जी से रखवाई थी। और इस साइड है लंगर हॉल। गोल्डन टेंपल में अटूट लंगर लगता है, चाहे दिन हो रात हो यहाँ पे लंगर सेवा हमेशा खुली रहती है। यहाँ पे दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु भी अपनी इच्छा से लंगर सेवा में अपना अपना योगदान देते हैं। ये दुख भंजनी बेड़ी है, इसकी बहुत धार्मिक मान्यता है और सभी भक्तजन यहाँ पे माथा टेक के ही आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं गोल्डन टेंपल के बाहर। मैं जब भी गोल्डन टेंपल आती हूँ मुझे बहुत पीसफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी से मिलती है और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई और खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त किया। सो गाइज आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।